सिवान की रहने वाली रोशनी खातून और तराना खातून को एक दूसरे से प्यार हो गया है और वह आजीवन एक साथ रहना चाहती हैं। इस समलैंगिक जोड़े ने पटना के एसएसपी को एक आवेदन देकर खुद की सुरक्षा की गुहार लगाई है। यह समलैंगिक जोड़ा आज पटना के महिला थाना पहुंच गया और पटना पुलिस को आवेदन देकर इस बात की जानकारी दी कि वह प्रेमी प्रेमिका के रूप में एक साथ पिछले 3 सालों से रह रहे हैं। इन्होंने पिछले 31 अक्टूबर को शादी कर पति पत्नी के रूप में संबंध कायम करने का दावा किया है, लेकिन घर वाले उसके समलैंगिक संबंधों का विरोध कर रहे हैं। इस समलैंगिक जोड़े ने पटना पुलिस को न्यायालय के आदेश का हवाला दिया है और कहा है कि समलैंगिक संबंधों के साथ रहना कोई अपराध नहीं है। इस समलैंगिक जोड़े ने पुलिस को इस बात की भी जानकारी दी है कि उन्हें अपने घर वालों से खतरा है, इसलिए उनकी सुरक्षा का पुख्ता प्रबंध किया जाए। समलैंगिक जोड़े ने पुलिस को इस बात की भी जानकारी दी है कि अगर उनके साथ कोई अनहोनी होती है तो उसके लिए उनके परिजन जिम्मेवार होंगे। मैं अभी दो बच्ची जो है तराना खातून और एक जो है रोशनी खातून, वहाँ के लिखित आवेदन दिए हैं महिला थाना अध्यक्ष के नाम से कि हम लोग दोनों समलैंगिक मित्र हैं और हम लोग को जो है गार्जियन से दिक्कत है जान माल की सुरक्षा के संबंध में। तो हमारे महिला थाना अध्यक्ष द्वारा वर्तमान जो चार्ज में है उनके द्वारा जो बुलाकर उन लोगों को काउंसलिंग किया गया और उनके गार्जियन को भी बुला के काउंसलिंग किया गया, लेकिन लोग अपने ये हवाला देते हुए कि हम लोग दोनों बालिक हैं और हम लोग अपना ज़िंदगी खुद जिएंगे, इसलिए अपने गार्जियन के साथ जाने से इनकार किए और वो अपने पीआर पर अपने अपने स्थान पर जा रहे हैं।